हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ रिमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द एमसीक्यूज, मेजर एमसीक्यूज बिलोंगिंग टू 12th बेस एज वेल एज 10th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज एज पर देयर एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिलेबस विच इज़ मैंशन बाय द जेके बोपी इन द एडमिशन ब्रोचर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी तक तो जेके बोपी ने एंट्रेंस के लिए तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन स्टिल उन्होंने अपने ब्राउचर में प्रॉपर एक सिलेबस दिया हुआ है और ये चीज़ उन्होंने उस वे मेंशन की हुई है अपने नोटिफिकेशन में। तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो। पास्ट फ्यू ईयर से तो एंट्रेंस नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल एज अ ईयर ऑन ईयर बेसिस वी कैन सी डैट नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स आर इंक्रीजिंग ऑन ए ह्यूज क्वान्टिटी। तो देर आर मे बी चांसेज डैट देर आर 50-50 चांसेज अप्रॉक्सीमेटली कि एंट्रेंस हो सकता है इस बार, क्योंकि BSc नर्सिंग का तो एंट्रेंस दे आर कंडक्टिंग एवरी ईयर, ठीक है, सक्सेसफुली। और अगर आप 12th बेस पैरामेडिकल की बात करें, लास्ट ईयर 12,000-13,000 के अराउंड फॉर्म्स फिलअप हुए थे, 7,000-8,000 के नियर अबाउट FMPW और MMPW के फॉर्म्स फिलअप हुए थे। तो हो सकता है कि जेके बॉबी विल गोइंग टू कंडक्ट द एंट्रेंस एज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर इंक्रीजिंग ईयरली, मतलब हर साल इतना इंक्रीज हो रहा है। और FMPW का तो क्या हो गया कि एक साल में ही अप्रॉक्सीमेटली डबल हो गए थे, डबल से भी ज़्यादा हो गए, डबल ट्रिपल हो गए थे कैंडिडेट्स लास्ट ईयर। सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर डैट। तो मैंने उसके लिए किया एक छोटा सा एक सीरीज़ आज एक मैंने स्टार्ट की है रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट MCQs, ठीक है, बिलोंगिंग टू द सिलेबस ऑफ 10th बेस पैरामेडिकल एंड 12th बेस पैरामेडिकल। और अगर हम देखें दोनों में, तो दोनों में एक मतलब सारे ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो सेम निकल के आ रहा है, लेकिन जो मैंने आज ये जो MCQs लेकर आया हूँ डैट इज़ ऑफ फिज़िक्स, क्योंकि जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिज़िक्स में मेजर कंसर्न्स होते हैं, स्पेशली फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो और मैंने जो फर्स्ट चैप्टर जो फिज़िक्स में पढ़ा डैट इज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर ये मेजर MCQs आपके लिए ढूंढे हैं और ये मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ, द करंट ऑफ 4.8 एम्पेयर इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड थ्रू द कंडक्टर विल बी। तो एक करंट फ्लो कर रही है कंडक्टर में और वो बोल रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर पर सेकेंड। तो इसने चार ऑप्शन दिए हैं। अगर इसका जो सोल्यूशन है डैट इज ऑफ डी, अब कैसे आया इसमें करंट की वैल्यू कितनी है 4.8 एम्पेयर और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का वैल्यू रहती है डैट इज ऑफ 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स। अब आपको पता है I का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T या NE/T, NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज़ द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई द टाइम, ठीक है। अब इसमें ये क्या कर रहा है, अब आपको इक्वेट कर रहा है, ठीक है, अब ये इक्वेट कर रहा है दोनों टर्म्स को, n को उधर लेके जा रहा है, तो क्या हो जाएगा i/n इक्वल्स टू e/t, ठीक है। जब ये n को उधर लेके जाएगा, अब अगर हम इसका क्रॉस शिफ्ट करें, t को उस तरफ लेके जाएं, इंटरचेंज करें, तो आपकी इक्वेशन जो लास्ट में बन के आएगी डैट इज आएगी e/i इक्वल्स टू ये t हो जाएगा t/n, ठीक है। तो t/n और इन दोनों का फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे, i को ऊपर शिफ्ट कर लेंगे e को नीचे, n को ऊपर शिफ्ट कर लेंगे t को नीचे, बोथ साइड। तो इन्होंने उसके बाद इसमें क्या किया है, दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया और वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके आपने यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेट किया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट्स टू ए पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट्स। तो बिकॉज दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस एक हायर पोटेंशियल पे है, एक लोअर पोटेंशियल पे है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा डैट इज इक्वल टू 128 - 118 विच इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 10 वोल्ट्स। और जो वर्क डन लगेगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है ∆V × Q, तो ∆V आपने निकाल लिया है और जो चार्ज है वो कितने 2 कूलम, ये 2 कूलम चार्ज दिया हुआ है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 20 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ़ ए वायर ऑफ द रेजिस्टेंस आर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, ठीक है। तो आपने एक मेल्ट किया वायर को, रिकास्ट किया, ठीक है, और टू ए हाफ ऑफ इट्स लेंथ,
तो न्यू रेजिस्टेंस कितनी होगी। अब ये यहाँ पर ही क्लियरली यहाँ पर ये बता रहे हैं, ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके आपका, जैसे ये फॉर्मूला इन्होंने बताया ए एल इक्वल्स टू ए डैश एल डैश, ठीक है। यहाँ पे ए और एल क्या हो गया ओरिजिनल लेंथ, एल डैश और ए डैश क्या हो गया जो उनका न्यू वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इनको एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बॉर्डर जो रेशियो है वो दोनों की जो रेशियो किस रेशियो में होगी, हाफ 1/2 गिवन है। अगर ये 1/2 है तो ए बाई ए डैश भी 1/2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में क्या है, इक्वल, ठीक है। तो आपको पता है न्यू रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या आएगा, ये इन्होंने न्यू रेजिस्टेंस का फार्मूला लिया, ये ओल्ड रेजिस्टेंस का फार्मूला लिया। अब इन्होंने लिया रेशियो दोनों का आर डैश अपॉन आर, ये रेशियो लिए, वैल्यू फार्मूला सब्स्टिट्यूट किया है, रो रो दोनों में कैंसिल हो गए, ये कॉमन था, ठीक है। तो आपका जो लास्ट में इक्वेशन निकल के आई, डैट इज एल डैश अपॉन एल इंटू ए अपॉन ए डैश, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू में आपने क्या डाला, 1/2 और 1/2, ठीक है, और ये आपका 1/4 निकल के आया। फिर न्यू आर डैश कितना होगा, इसको उधर शिफ्ट करेंगे, आर डैश इक्वल्स टू आर बाय 4, ठीक है। डैट इज़ द करेक्ट आंसर, डैट इज़ आर बाय 4, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो व्हाट इज़ द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 1/5 ओम, ठीक है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम कितना निकाल सकते हैं जब हम इसको किस में ऐड करेंगे, सीरीज, सॉरी मिनिमम में हम क्या करेंगे, पैरेलल में, ठीक है। तो यहाँ पर 1/5 ओम है, तो इसको अगर हम पैरेलल में करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पैरेलल में आर पैरेलल में वैल्यू मिनिमम होती है रेजिस्टेंस का, फॉर्मूला होता है आर बाय एन, अगर सबकी वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, 1/5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर कितने थे, 5, दोनों को किया तो आपका आंसर आ गया 1/25, तो 1/25 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड हैव यूजिंग 5 रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, तो इसका मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब आती है, जब रेजिस्टेंस क्या होती है, सीरीज में। तो ये तीनों, ये इसको 5 टाइम्स हम इसको ऐड करेंगे, वहाँ से आपका एलसीएम लेकर आपका आंसर निकल के आएगा डी, डी इज क्या है, 1 ओम। तो ये देखिए इसको सिंपल, इसमें फॉर्मूला ये लगेंगे एन इंटू आर, एन इंटू आर उसमें था आर अपॉन एन पैरेलल में, ये है सीरीज में, ठीक है। फिर इसके बाद ये बता रहा है आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैव बीन प्रॉपरली कनेक्टेड, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जिसमें प्रॉपरली कनेक्टेड है उसको मार्क करो। तो अभी अगर हम देखें तो सबसे पहले तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, सीरीज में नहीं लगता, इसका मतलब ये तो गलत है और ये गलत है, ठीक है। तो अब हमारा आंसर आएगा सेकंड और फोर्थ में से, ठीक है। और मेरे को जहाँ तक लगता है आपका जो ये जो करेक्ट आंसर है डेट इज़ ऑफ बी, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे करंट आपकी फ्लो करेगी, तो ये आपकी करंट इस तरीके से फ्लो करेगी, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी टर्मिनल्स हैं वो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ लग रही है, तो मुझे ऐसा लगता है जो इसमें करेक्ट आंसर निकल के आएगा, एक सेकेंड, एंड विच इज़ द कनेक्टेड प्रॉपरली, इसमें इन्होंने सॉरी इसमें हाँ बी पार्ट को इसको करेक्ट किया हुआ है, व्हाइल आइडेंटिफाई द सर्किट ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसमें इन्होंने आंसर में हाँ ये देखिए इन्होंने रीजंस भी दिए हुए हैं कि एम मीटर हमेशा कनेक्टेड होगा सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए शुड बी जॉइंड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एम मीटर, तो दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो आपस में क्या होता है, जुड़ा होता है। ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जुड़ा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एम्पेयर में, ये एक इन्होंने कंडीशन बताई, यू मस्ट हैव टू सेटिस्फाई इट, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई किस में हो रही है, बी में। और उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि मैंने पूरा पूरा सॉल्व करके बताया है, तो ये जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ये 10 to 15 MCQ क्वेश्चन है रिलेटेड टू आपके इलेक्ट्रिसिटी और शॉर्ट क्वेश्चन फिलअप्स, वो सारे मैं आपको बताऊँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये नई सीरीज मैंने स्टार्ट की है रिगार्डिंग द MCQs रिलेटेड टू द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ 10th बेस एज वेल एज 12th बेस पैरामेडिकल, विच आर ऑल्सो इंक्लूड GNM असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, FMPAW और MMPAW। ये सीरीज आपको
तीनों में काम आएगी। तो मैं ज़्यादा एमसीक्यूज कवर नहीं कर पाया इस वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर फ्रेंड्स लव एंड सपोर्ट। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, काली सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द जे एंड के स्टूडेंट्स। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। जेके वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं वहाँ पे डेली बेस पे जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।